हसरते ही और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरते मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जा सकूंगी। तो दिल्ली जाने के टिकट्स मैं कैंसिल करवा देता हूँ। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को फोन करके। What are you doing? मुझे शामू को एक बार पूछ तो लेने दो। सर, इतनी जल्दी डील हो गई? हाँ, हो गई। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे? आज रात को मेरे घर पे। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस सर। अरे इडियट्स, ये मिस रूबीना नहीं है, ये मिसेस गोविंद है, मेरी धर्म पत्नी। इडियट्स। मानसी, दुनिया में अगर किसी चीज की कोई कीमत नहीं है तो वो है प्यार, मोहब्बत। हेलो, इस प्रोफेसर वर्मा दे? ओ नो नो मैसेज, थैंक यू। किटी, मैं कब से शामू को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो वहां नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा मेरे साथ दिल्ली जाना अनसर्टन है? मैं तुम्हें कल सुबह बताती हूँ ना। कल शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? कल अस्मिता आ रही है बच्चों के साथ दिल्ली से, मुझे उन्हें अटेंड करना होगा। हंसी क्या रही है? इसका मतलब कल से तुम्हारा ऑफिस में देर तक बैठना कम हो जाएगा। नो, नॉट नेसेसरी। अस्मिता मेरे ऑफिस के काम में कभी इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, ये बात जरूर है कि शुरू शुरू में मुझे उन्हें ज्यादा वक्त देना होगा। क्यों? और बहुत सी बातें होती हैं, जैसे बच्चों के एडमिशन्स। आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, बच्चों के एडमिशन्स के लिए तो उस लाइन में खड़े होना ही होगा। तुम्हें लगता कि तुमने अस्मिता को कुछ जल्दी बुला लिया है? अब मेरा मतलब है कि दिल्ली की ट्रेड एग्जीबिशन के बाद भी बुला लेते तो। अस्मिता ज्यादा दिन मेरे बिना अकेली नहीं रह सकती। और तुम? टॉपिक क्यों चेंज करती हो? आज शाम ऑफिस से घर जाने से पहले मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि तुम मेरे साथ दिल्ली आ रही हो या नहीं। किटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अगर श्यामू मेरे साथ आना चाहे तो मैं उसे अपने साथ दिल्ली लेकर आ सकती हूँ। सारा खर्चा मैं करूंगी। सॉरी, लगता है मैंने सवाल पूछने में कोई गलती की। हम लोग ट्रेड एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं सर, किसी शादी रिसेप्शन के लिए तो नहीं जा रहे हैं। सॉरी। ठीक है, आज रात में अपने पति से इजाजत ले लो, मैं कल सुबह तुम्हें फोन करता हूँ। श्यामा, बस भी करो, पूरी जिंदगी क्या पढ़ते ही रहोगे? सभी पीएचडी के लिए स्टडी शुरू किया है, किसी विषय की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अब किस विषय की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो? जिसके बारे में मुझे जरा भी जानकारी नहीं है, शादीशुदा औरतों का मनोविज्ञान। सावी, तुम कुछ कहना चाहती थी? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। आज तुमने बीबी पब्लिसिटी के बारे में कुछ कहा नहीं। हाँ सावी, क्या है? नहीं, आज तुमने बीबी पब्लिसिटी के काम के बारे में कोई बात नहीं कही। बीबी पब्लिसिटी के बारे में जानने के लिए
तुम इतने बेताब क्यों हो? बस ऐसा ही आदत सी हो गई है। पिछले कई दिनों से बल्कि कई सालों से तुम्हारा कोई भी टॉपिक बीबी पब्लिसिटी के बिना पूरा नहीं होता। श्यामू, कहीं तुम अपनी पीएचडी की शुरुआत मुझसे ही तो नहीं कर रहे हो? श्यामू, एक बात कह देती हूँ कि किसी भी विषय की तह तक पहुंचने से पहले अपने मन की तह तक पहुंचने की कोशिश करो। ये लो, हम लोग पहुंच गए। कोई निकलेगा नहीं गाड़ी से, हम निकालेंगे। चलो 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 भाई, नए घर में जाएंगे, आप खिड़की से ही बाहर आ जाएंगे और आप दरवाजे से बाहर आएंगे। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए और जाइए अपने नए घर में जाइए। देखिए अंदर कितना बड़ा घर है, जाओ देखो भागो। तुमने शॉफर क्यों नहीं रखा? शॉफर की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए शॉफर से कम हूँ क्या? तुम्हारी तनख्वाह मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगी। चाबी कहाँ है? ये लो। कार की नहीं, घर की चाबी। आज से इस घर की चाबियां तुम्हारी। चलो 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 चलो। हाँ, आओ सामान ले। चले या, सही है भैया, ये है हमारा घर। वेरी गुड। नौकरानी कब आती है? आती है, मतलब सुबह आती है, काम करती है और चली जाती। कितनी तनख्वाह देते हैं? विल यू प्लीज रिलैक्स डार्लिंग, मैं सब बताऊंगा तुम्हें, लेकिन एक शर्त है, पहले नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, उस दरमियान मैं तुम्हारे लिए एक फर्स्ट क्लास कॉफी बना के लाता हूँ। हे, तुम्हारे लिए कॉफी मैं बनाऊंगी। ओके, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैं कॉफी तुम अक्सर होटल में खाना खाते थे, राइट? कैसे पहचाना? हाउस वाइफ की नजर है। क्या बात है? कुछ नहीं। इतना दूर क्यों भाग रही है? ये प्यार कभी फोन पे नहीं जताया तुमने। अस्मिता, तुम नहीं जानती मैं यहाँ कितना बिजी था। बिजी तो तुम हमेशा ही थे। यहाँ आए तुम्हें इतना वक्त हो गया, एक बार भी फोन पे तुमने नहीं कहा। अस्मिता, तुम्हारी बहुत याद आती है। कम ऑन अस्मिता, जरूरत थी ऐसा कहने? बम्बई आने से पहले ऐसी बहुत सी बातें थी जिन्हें कहने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुम कहा करते थे। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, जहाँ कहीं भी तुम जाते थे वहाँ से मुझे फ़ोन ज़रूर करते, और तुम्हारा पहला सेंटेंस ये होता था, अस्मिता तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कहीं ये बम्बई की हवा दुनिया की हवा से अलग तो नहीं? हेलो हेलो हेलो, लगता है तुम्हारी नौकरानी आज नहीं आने वाली। कैसे पता? उसने शायद फोन करके कंफर्म कर लिया
कि मैं आ गई हूँ। हो सकता है। मैं कॉफी लेके आती हूँ। प्रोफेसर वर्मा, केटी बोल रहा हूँ। हेलो केटी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। फरमाइए, किस लिए फोन किया? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मुझे तो आप डिस्टर्ब लग रहे हैं। या तो आपके फोन में खराबी है या फिर आप दबी आवाज में बात कर रहे हैं। दबी आवाज में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे सो रहे हैं। बहुत देर से उठने की आदत डाल रखी है आपने बच्चों को। श्यामू, किसका फोन है? बीबी पब्लिसिटी से तो नहीं? बिल्कुल सही पहचाना, बीबी पब्लिसिटी के हाई कमांड का फोन है। हेलो हेलो, बड़े खुलकर बात कर रहे हैं आप। लगता है आपके बच्चों की नींद खुल गई। मैं सावी से बात करना चाहूंगा। मैं जानता था आप सावी से ही बात करेंगे। लीजिए सावी से बात करें। हेलो केटी साहब। कहिए, कैसे फोन किया? तुमने अभी फोन किया था? हाँ, वो आपकी मिसेज आ गई हैं शायद। तुमने कोई फैसला किया या नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ फैसला नहीं किया। क्यों? वो मैं फोन पर नहीं बता सकती। मैं बात करूँ प्रोफेसर वर्मा से? तुम समझते हो किसे कोई फर्क पड़ेगा? पता नहीं, वैसे उनकी आवाज में शरारत तो जरूर थी। बस तो फिर सावी, अगर तुम नहीं आई तो बेबी पब्लिसिटी का मैनेजमेंट शायद फिर से बदल जाए। This is really very nice. आज बहुत दिनों के बाद अपनी बीवी के हाथ दबाना ब्रेकफास्ट है। तुम आ गई हो तो सब सामान भी अच्छा लाना पड़ेगा। ये सावी कौन है? सुने? नहीं तो, बच्चों ने गलती से स्पीकर फोन ऑन कर दिया था। By the way, वो आदमी कौन था जो तुम्हारे साथ इतनी एरोगेंटली बातें कर रहा था? एरोगेंटली? हाँ, उसके बात करने का अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो ऐसा है अस्मिता, जो औरतें सर्विस करती हैं उनके घरों में दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जो आपके साथ बहुत अदब से बात करते हैं और एक वो जो इस तरह बात करते हैं जैसे वो आप पे मेहरबानी करें। ये साहब मेरी जनरल मैनेजर के पति थे। तुम्हारी जनरल मैनेजर का नाम सावी है? हाँ, बहुत टैलेंटेड लड़की। लड़की? औरत है, बट वेरी वेरी डैशिंग। बहुत पोटेंशियल है उस औरत में। उसमें वो सारी टैलेंट्स मौजूद हैं जो तुम में। मक्खन काफी है या और लगाओ? ठीक है। श्यामू। क्या है सावी? श्यामू, दिल्ली में ट्रेड एग्जीबिशन है। तो मैं अटेंड तो नहीं करना चाहती, लेकिन बीबी पब्लिसिटी के लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं सावी? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
मैं चलता हूँ सावी। श्यामू। क्या है सावी? कुछ नहीं। देखो सावी, मेरे पास फिजूल बातें करने का जरा भी वक्त नहीं है, क्योंकि आज से मैंने पीएचडी के लिए स्टडी शुरू कर दिया है। श्यामू, अगर मैं क्या? कुछ नहीं। अगर आज मैं लेट हो गई तो? वैसे भी कहाँ जल्दी आती हो, और आज से मैं भी लेट आने वाला हूँ। क्यों? सोचता हूँ लाइब्रेरी में जाकर स्टडी करूँ, किसी भी हालत में मुझे डॉक्टरेट हासिल करनी है। श्यामू, तुम्हारा अचानक ये डॉक्टरेट हासिल करने का? तुम क्या चाहती हो, मेरी जिंदगी की हर शाम तुम्हारे इंतजार में बीत जाए? कहां से बोल रही हो? सामने से? अरे तो अंदर क्यों नहीं आ जाती? यस यस, हाँ मैं सुषमा से कहता हूं तुम आ जाओ। ओके। रानी, ये तुम्हारा टिफिन। हाँ चलो ये पहन लो। ओए शाबाश। और ये तुम्हारी वाटर बॉटल। स्कूल के रिसेस में तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी, समझी? हाँ बाबा। परसों तुमने जब चाट वाट खाया था तो तुम्हारे टॉन्सिल्स कैसे सूज गए थे, याद है ना तुम्हें? हाँ याद है बाबा। चलो मुझे देर हो रही है, मैं जाऊँ? कहाँ जा रही हो सुषमा? रानी तुम जाओ। आज शूटिंग नहीं है क्या? आज तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? हमारे ड्रामे में तुम्हारे वाले रोल के लिए मैंने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ ली है। तो मैं क्या करूं? तुम उसकी रिहर्सल्स लोगी, उसे प्रिपेयर करोगी। सॉरी, वो डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर मूवमेंट्स देता है, डायलॉग्स बोलना नहीं सिखाता। विशाल तुम समझते क्यों नहीं, आज हमारे गाने की शूटिंग है। कौन है तुम्हारा प्रोड्यूसर? लाओ उसका नंबर दो, मैं उसे फोन कर देता हूँ कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है। प्रोड्यूसर से झूठ बोलना मुझे मंजूर नहीं है विशाल। अच्छा, मुझसे झूठ बोलना तुम्हें मंजूर है? सीरियल में काम करने के लिए तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो? मैंने तुम्हारे ही डायरेक्टर फ्रेंड को ओब्लाइज करने के लिए सीरियल में काम किया था। ठीक है, फिर मुझे ओब्लाइज करने के लिए उस लड़की को रिहर्स करवा दो। ठीक है, मैं उसे सिर्फ एक ही घंटा दे सकती हूँ। बोलो कहाँ जाना है? तुम्हें कहीं नहीं जाना, वो लड़की यहीं आ रही है। May I come in, please? रिंकू, come in, come in. रिंकू, meet my better half, सुषमा. सुषमा, रिंकू. Hi. नमस्ते. Come, let's sit. मैं आपके प्ले में आप ही का रोल कर रही हूँ। अच्छा, पहले कभी काम किया है आपने? Well, मेरे पास 10 सीरियल्स हैं जिनमें मैं लीड कर रही हूँ। अच्छा, कौन सी सीरियल्स आ रही हैं आपकी टीवी पर? अभी तो सिर्फ पायलट से किए हैं। आपने पहले कभी नाटक में काम किया है? ओह नो, ऐसे तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे तो डायरेक्ट ब्रेक मिल गया। तो फिर आप नाटक में काम कर सकेंगी? Why not? अगर आप कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हाँ, ये तो आप ठीक ही कह रही है। और फिर विशाल जैसे ग्रेट एक्टर है मेरे साथ, क्यों विशाल? विशाल मॉडर्न ख्यालात की लड़की है ना, अमेरिका में रह चुकी है। सो तो मैं देख ही रही हूँ। एक्सक्यूज मी रिंकू जी, आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकती। व्हाई? घर में मेरी एक छोटी लड़की है। आपकी छोटी लड़की को ड्रिंक्स चलते हैं? रिंकू, बी कंफर्टेबल। हाँ, आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल। सुषमा, जरा अंदर आना, वो स्क्रिप्ट का है जरा बताना तो। तुम उस लड़की से ठीक से पेश नहीं आ रही हो। वो हमारे ड्रामा में काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसमें ना तो कोई कैपेसिटी है और ना ही कोई कल्चर। व्हाट रबिश, ये कल्चर क्या होता है? थिएटर का कल्चर वो होता है जिससे मास्टरपीसेस बनते हैं। ये लड़की तो सिर्फ एक शो पीस है। मैं उसे रिहर्स नहीं करवाऊंगी, मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। रानी, एक्सक्यूज मी रिंकू जी, दरअसल मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बाय।
रानी देखो मैं जा रही हूँ, जैसे ही तुम्हारी स्कूल बस आ जाए तुम चली जाना, ओके? सी यू, बाय। अरे रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो 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 चलो, तुम्हारे स्कूल के बस का टाइम हो गया है, जाओ जाकर बाहर खड़ी रहो, जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ बाय। रिंकू डोंट वरी, तुम्हारी रिहर्सल मैं लूंगा। ओ डार्लिंग। मुझे क्या सिर्फ कॉफी पीने के लिए बुलाया है बुआ? दरअसल मैं एक उलझन में फंस गई हूँ। कैसी उलझन? दिल्ली में एक ट्रेड एग्जीबिशन है और मेरे बॉस मुझे वो ट्रेड एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए दिल्ली ले जाना चाहते हैं। तो इसमें उलझन की कौन सी बात है? मुझे दिल्ली में 2 दिन के लिए रहना होगा और श्यामू से इजाज़त लेने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? वो मुझे इजाज़त नहीं देगा बुआ। तो मत जाओ। लेकिन बुआ इससे मुझे नुकसान होगा। सावी नुकसान तो उसकी इजाज़त के बगैर जाने में होगा। बुआ क्या तुम उसे कन्विंस नहीं करोगी? कैसे? मेरे बारे में विश्वास दिला के। सावी खुद मुझे तुम्हारी गारंटी नहीं है। बुआ बुरा मत मानना, मैंने भले तुम्हारी परवरिश की हो लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद एक बात कभी नहीं भूल पाती कि तुम्हारी रगों में एक ऐसी माँ का खून दौड़ रहा है जो अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर किसी पराए मर्द के साथ भाग गई थी। हसरते हैं और